से दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 12th क्लास के अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक का पोएम सीता का समरी बताऊंगा, ठीक है। तो इस पोएम को लिखा है तोरू दत्त ने, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी पोएम है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप समझेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अबाउट द पोएट जो दिया है वो आप खुद ही देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट समरी पर आता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शुरू होता है थ्री हैप्पी चिल्ड्रेंस इन ए सॉरी चिल्ड्रेन इन ए डार्क रूम, ठीक है। तो ये कहानी मैं बताता हूँ आपको क्या है, मतलब तीन आपको जो है आपको पता ही चल गया होगा, मतलब तीन बच्चे, तीन मतलब खुश मिजाज के बच्चे या फिर कह लीजिए खुश बच्चे एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, मतलब वो तीन एक कमरे में बैठे हैं और एक्चुअली क्या होता है, उनकी मदर जो है, उन तीनों बच्चों की मदर है, वो उन लोगों को एक स्टोरी सुना रही होती है, ठीक है। तो वो जहाँ पे मतलब जिस कमरे में बैठे हैं उनका घर जंगल में होता है। तो जंगल में मतलब वो जगह काफ़ी ब्यूटीफुल होती है, वहाँ के बारे में इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है कि एक झील होता है वहाँ पे और मोर, उसके बाद हंस और वो सब वहाँ पे मतलब होते हैं, हिरण भी होते हैं आसपास में, मतलब जंगल का एक खूबसूरत सा एरिया आप कह लीजिए। और ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेड़ होते हैं उस मतलब उस जगह पे, और जिसकी वजह से धूप बहुत ही मतलब हार्डली बहुत ही मुश्किल से धूप आ पाती है उस जगह पे, ठीक है। तो एक तरीके से आप मान लीजिए एक जंगल का एक ऐसा जगह है वो, जहाँ पे धूप बहुत ही मुश्किल से आती है, काफ़ी खूबसूरत से फूल भी वहाँ मिलते हैं, एक झील है, कुछ मोर हैं, ठीक है, और काफ़ी खूबसूरत सी एक जगह है, ठीक है। तो ये हो गया मतलब जगह के बारे में। तो क्या होता है वहाँ पे एक एक आश्रम है, ठीक है। वो बाकी जो क्या समझ में आएगा आपको बाद में जब मैं बोलूँगा उसका सेकेंड थीम जो है इस पोएम का, ठीक है। तो पहले थीम में मैं ये आपको बता दूँ, आप समझिए कि एक जगह है और वहाँ पे एक डार्क रूम में वो तीन मतलब बच्चे वहाँ पे बैठे हैं और उनकी मदर जो है, उनकी माँ एक स्टोरी उनको सुना रही होती है। तो वो स्टोरी क्या होती है कि एक फेयर लेडी, ठीक है, यहाँ पे फेयर लेडी मेंशन है, देखिए, बट हु इज़ दिस फेयर लेडी। तो ये क्वेश्चन किया जाता है वो मतलब बच्चे करते हैं अपनी मतलब माँ से। तो ये फेयर लेडी कौन है, सीता है, ठीक है, सीता, वही सीता, बिल्कुल आप सही समझे, वो जो रामायण की सीता, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे मैं आपको सिंपल से समझा दूँ, ये स्टोरी मतलब ये तीन जो बच्चे हैं उनकी माँ उन तीन बच्चों को ये स्टोरी पढ़ा रही होती है कि वो जो फेयर लेडी है सीता वो रो रही है, ठीक है। तो ये तब की बात होगी, आपको शायद याद होगा अगर आपने रामायण पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता दूँ कि मतलब पूरा तो नहीं आपको बता सकता, इतना टाइम नहीं है। तो मतलब जब 14 साल का वनवास काट के मतलब फॉरेस्ट में राम जब 14 साल अपनी पत्नी के साथ और लक्ष्मण के साथ, अपने भाई लक्ष्मण के साथ बिता के आ गए थे, तभी फिर से कुछ उनके किंगडम में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और किसी एक प्रॉब्लम की वजह से सीता को फिर से अकेले जंगल में भेजना पड़ा, फिर से वनवास में अकेले भेजना पड़ा राम को, ठीक है, किसी एक कारण से। तो तब सीता एक मुनि के आश्रम में आ गई, ठीक है, एक ऋषि के आश्रम में। तो वही आश्रम जो है, उसी आश्रम में सीता जो है वो बैठी हुई हैं और ये रो रही हैं सोच के कि इतने साल अपने हस्बैंड राम के साथ वो जंगल में रही और फिर अभी किसी मतलब अपने समाज के प्रॉब्लम्स की किसी प्रॉब्लम की वजह से उनको फिर यहाँ पे जंगल में अकेले रहना पड़ रहा है अपने पति से दूर। तो इसी चीज़ को सीता जो है वो सोचती हैं और रो रही होती है दुख से, ठीक है। और ये जो सीता जो रो रही हैं जिस दुख की वजह से, उसी चीज़ को यहाँ पे थ्री हैप्पी चिल्ड्रंस को उनकी माँ सुना रही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब सीता जो दुखी हैं क्योंकि वो इतने साल जंगल में थी अपने पति के साथ और फिर जब राजा के पास आई, मतलब अपने घर आई, उसके बाद फिर से किसी प्रॉब्लम से उनको जंगल भेज दिया गया, ठीक है, और इसी वजह से सीता काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और इसी दुख के बारे में बताया जा रहा है इन थ्री हैप्पी चिल्ड्रंस को उनके माँ के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और फिर से मैं एक बार बता दूँ, तो यही चीज़ है पोएम में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ये है कि वो जगह कैसी है जहाँ पे वो थ्री चिल्ड्रंस बैठे हैं, थ्री चिल्ड्रंस एक डार्क रूम में बैठे हैं और वो जगह काफ़ी पीसफुल है, वहाँ पर मोर है, एक छोटी सी झील है और मतलब हिरण भी हैं, मतलब काफ़ी एक खूबसूरत सा नज़ारा, ठीक है। तो वही चीज़ है फर्स्ट पैरा में कि कैसा है वो जगह, और सेकंड में यहाँ पे जब फेयर लेडी का मेंशन होता है तभी सीता के बारे में ऑल डिटेल आ जाती है कि सीता मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी है क्योंकि मतलब वो अपने पति के साथ इतने टाइम जंगल में थी, फिर से यहाँ पे उनको अकेले में दुख सहना पड़ रहा है, ठीक है। तो यही है पोएम के बारे में पूरा डिटेल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं अगर कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस चैप्टर का आपको टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है तो आपको ये वीडियो में मिल जाएगा, आप देख लीजिए इस चैनल पे, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है।
और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल यार।